नहीं मतलब भाई फेंकने की भी कोई लेवल होती है कि नहीं होती? ओ भाई ओ मतलब ओ अबे तुझे आई। हाँ डोनाल्ड बोल। कैसे भाई? विजय माल्या। आए हाय मेरा हीरो हीरा लाल। माफी चाहता हूँ लेकिन कर रहा हूँ मैं। अब वक्त है सबसे बड़ी गलती का, जिसमें अगर ये गलती नहीं हुई होती तो ये पिक्चर मात्र 5 मिनट में खत्म हो जाती भाई। तो दोस्तों क्या हाल है? मेरा हाल तो बेहाल है क्योंकि पूरी मूवी देख के मैं पागल हो चुका हूँ और वो पागलपन शायद आपको पूरे वीडियो में दिखे। तो चालू करते हैं नया वीडियो। तो ये इसके सिर के ऊपर व्हील वाला सूटकेस रख रहा है जिसको हम बहुत ही आसानी से खिसका के ले जा सकते हैं भैया। सिर के ऊपर रख के ले जाने की जरूरत नहीं होती। नहीं मतलब आपको सीन में लड़ाई दिखाना ही था तो मिनिमम सूटकेस भी ऐसा रखते जिसमें चक्का नहीं होता। अभी पूरे सीन में दूर दूर तक कहीं पे भी राजू नहीं दिख रहे, लेकिन अगले ही पल भैया राजू प्रकट हो गया। अभी ये वाला बैग बिल्कुल इसके बगल में गिर रहा है, इसके कमर के पास में, लेकिन अगले ही पल वो बैग वहां से गायब हो गया। राजू इस तरफ देखने को इशारा करता है और ये अपना मुंडी उस तरफ घुमाता है। नहीं मतलब ये तो वही बात हो गई, आप लेफ्ट इंडिकेटर देकर राइट में मुड़ गए। लेडीज लोग ऐसे ही चलाते हैं ना गाड़ी। तो अभी ये नीला वाला बैग देख लो भैया राजू के बगल में है और ये लोग मारते मारते आगे जाते जा रहे हैं और वो बैग पीछे जाते जा रहा है, जिसमें वो बैग देख लो भाई यहाँ पे है इनके पीछे, लेकिन अगले ही पल पीछे से वो बैग गायब हो गया और वही बैग आ चुका है सामने जो कि वहाँ पीछे होना चाहिए था। और भाई मैं नोटिस कर रहा हूँ इतनी देर से लड़ाई हो रही है लेकिन पुलिस आ ही नहीं रही है भाई। रेलवे स्टेशन में होती ना पुलिस, कहाँ है वो? जब राजू ने ये बैग फेंका था तब ये राइट की तरफ घूम रहा था बैग भैया, इस तरह से कुछ, लेकिन हवे में अपने आप ही ये उल्टा घूमने लग जाता है, अब लेफ्ट की तरफ घूम रहा है। मतलब पहले ऐसे घूम रहा था और अब ऐसे घूम रहा है। राजू सारा की फोटो देखते देखते बिना होश में चल रहा होता है और ये चलते चलते नीचे पटरियों में आ जाता है। लेकिन कैसे भाई? मतलब प्लेटफॉर्म और पटरियों के बीच में इतना लंबा स्टेप है और ये बिना होश के चल रहा है तो इसको यहाँ तक आके यहाँ से नीचे गिर जाना चाहिए था, लेकिन ये तो मस्त चल रहा है। और भाई इस रेलवे स्टेशन में कूलियों की संख्या कितनी ज्यादा है, मतलब किसी भी रेलवे स्टेशन में इतने ज्यादा कूली तो नहीं देखे मैंने आज तक। अब यहाँ पे बगल में बैठे हुए पंडित जी, लेकिन भैया अगले ही पल वहाँ से गायब जाते हैं। जब आपको पता था कि यहाँ पे कोई अच्छा होटल नहीं है तो हमारे आने से पहले कालीशान होटल बना देते ना, और जाते जाते से गरीबों में दान कर देते। नहीं मतलब भाई फेंकने की भी कोई लेवल होती है कि नहीं होती? हमारे झाड़ में से पैसे निकालो और एक अच्छा सा होटल बनाओ। कुछ भी नहीं मतलब सही में भाई कुछ भी बोल रहे हैं, तो मतलब जो मन में है वो बोल रहे हैं और सामने वाला बंदा भैया भरोसा भी कर रहा है इसका। नहीं मतलब अगर यही सेम लाइन है मैं अपने छोटे भाई को भी चिपकाऊंगा ना तो आगे से वो भी मेरे को बोलेगा क्या भैया मेरे माथे पे सी लिखा हुआ दिख रहा है आपको? और भाई ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा फेंक रखा है इसने। बुर्ज खलीफा इसका है। ओ भाई मतलब बुर्ज खलीफा भी इसी का है। ओ मतलब भाई बिना सोचे समझे यहाँ पे बोनस बनता है। नहीं मतलब भाई थोड़ा सा टाइम लगता, गूगल खोलते चेक कर लेते बुर्ज खलीफा किसका है सही में भाई। लेकिन चलो भाई कम से कम इन्होंने इस सीन को पिक्चर से तो हटा दिया। लगता है मेरे छोटे भाई से मिल के आए थे ये लोग। कहाँ मुंह था भाई, टी शर्ट में दिख तो रहा नहीं है। अबे भाई अब ये साउंड इफेक्ट घुसाने की क्या जरूरत थी यार तुमको? मतलब पूरा कचरा तो कर ही दिया था, तुमने ये घुसा के और दिमाग खराब कर दिया। मेरे भाई साइड हो जा वहां से, यहाँ पे जो शावर चलते चलते बंद हो गया था वो वापस अपने अपन ही चालू हो जाता है। मैं गेस्ट हूँ, वो भी कुंवर साहब का। भाई तू गेस्ट नहीं है, तू कुंवर साहब का ड्राइवर है। तो पंडित जी इन दोनों को आके पहले से ही बोल देते कि अगर तुम्हें कोई भी कुछ भी पूछे तो उनसे कह देना कि जाके सीधा मालिक से बात करे। मतलब इतने सारे लोगों में सबसे पहले ये सिर्फ इन दोनों को ही बोलते हैं। और कमाल की बात यह कि सारा के पापा आके पूछते भी नहीं से। मतलब इन दोनों के अलावा भी कितने ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, अगर बाय चांस ये किसी और से बात कर लेते तो मजा ही आ जाता भाई। हाँ डोनाल्ड बोल क्या बात। नहीं ये डोनाल्ड को हिंदी किसने आपके पिताजी ने सिखाई है? वाह 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 क्या बात है पंडित जी, मतलब दिल की बात बोल दी कि तू ओवर एक्टिंग मत कर, क्या बात। लेकिन गलत बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था आपको ने। मतलब भाई ये तो वही बात हो गई, आप किसी नॉर्मल इंसान से कह रहे हो कि भाई तू सांस मत ले, अब वो बिना सांस लिए जी कैसे पाएगा? नहीं मतलब इन अंकल आंटी के पास दिमाग था जो चक्के वाले बैग को सरका के ले जा रहे थे, लेकिन इधर आके फिर राजू बैग को सिर में उठा लेता है। मतलब भाई बाद में बताता हूँ। क्यों भाई क्यों? ये साउंड इफेक्ट बजाने की क्या जरूरत है भाई? जिस तरह से अंकल अंदर आ रहे हैं उनको बहुत ही आसानी से दिख जाना चाहिए था कि यहाँ पे राजू छुपा हुआ है। मतलब इससे ज्यादा होशियार इंसान देखा है आपने कहीं पे? मतलब अंकल के पीछे खड़े होकर इशारे कर रहे हैं कि इनको भेज यहाँ से। मतलब भाई अंकल के पीछे क्यों खड़े हो गए, बेड के नीचे कहीं पीछे जाके छुप जा भाई। भाई जिस पोजीशन में भी अंकल बैठे हुए उनको बहुत ही आसानी से दिख जाना चाहिए था कि राजू भी उनके बगल में बैठा हुआ है। मतलब भाई इस पोजीशन को मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है और अगर उनकी जगह ऐसे ही मैं बैठा होता ना तो राजू तो छोड़ो पीछे बेड भी दिख जाता मेरे को। अंकल को राजू नहीं दिखा, क्या बात
क्या बात। और अपन जब पीछे देखते हैं कि कोई है तो नहीं, तो अपन नीचे भी देखते हैं, लेकिन अंकल तो नीचे भी नहीं देखते, क्या बात है। मैं फिर से करके बताऊं? करो करो करो। ओके। गुड नाइट। भाई इधर सारा को कैसे पता चला कि राजू गुड नाइट ही बोलने वाला है? वो और कुछ बोल देता तो। भाई भाई मतलब इन्होंने राजू को अभी भी नहीं देखा कैसे भाई? अभी सारा के राइट हैंड में बुक है जो कि अगले ही पल उसके हाथ से गायब हो गया। राज अब कहाँ जा रहा है भाई? इतना देर से पीछे खड़े होके सर्कस दिखा रहा था, और अब जब फाइनली अंकल चले गए तो खुद भी जा रहा है। तो अभी सारा के खिड़की के नीचे देख लो भाई कितना ज्यादा पानी है, लेकिन जब ये ऊपर चढ़ रहा था भैया तब तो ऐसा कुछ पानी था ही नहीं वहाँ पे। और एक मिनट, ये सीढ़ी भी इसने लगाया था, वो सीढ़ी भी गायब हो गया। तो दोस्तों अगर आप मेरा बिलियन डॉलर यूट्यूब सेटअप देखना चाहते हो जहाँ पे बैठ के मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो भाई आप डिस्क्रिप्शन एंड पिंड कमेंट में दिए गए लिंक पे क्लिक करके बहुत ही आसानी से देख सकते हो। लेकिन भाई अभी मत जाना, पहले वीडियो देख लो फिर जाना। किसका खत्म? नहीं नहीं ये लो, और ये भी है, ये भी, ये भी है। अरे अंकल जी इतने से पैसों में इनका क्या होगा यार? नहीं मतलब अकॉर्डिंग टू हिम जिस बंदे का खुद का बुर्ज खलीफा है उसके सेक्रेटरी के पास छोटा मोटा ताज होटल तो होगा ही, तो वो इतने से पैसों का करेगा क्या मेरे भाई? थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो अंकल जी। नहीं मतलब इतने से पैसे तो जो कुंवर साहब के खुद के पैसों का पेड़ है उससे पत्ते ही बन के गिर जाते होंगे भाई। हमारे झाड़ में से पैसे निकालो। विजय माल्या का फोन आएगा तो मुझे बता देना। विजय माल्या का फोन आएगा। ओ अब पता चला इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया है। विजय माल्या अब ये कौन से भाषा में बात कर रहे हैं भाई? और एक मिनट, ये भाषा सीखे कब ये लोग? कहीं इनके अंदर भी दुर्गामती की आत्मा तो नहीं घुस गई? दो सीढ़ियां, एक उतरने के लिए, एक चढ़ने के लिए। ये अंकल दो सीढ़ी देख के इतना खुश हो रहे हैं कि एक चढ़ने के लिए और एक उतरने के लिए, जबकि इनके खुद के घर में दो सीढ़ी लगी हुई है। अब एक सबसे बड़ी तो नहीं लेकिन काफी बड़ी गलती है जो अंकल ने की है, बिना किसी रिसर्च के अपनी बेटी की शादी राजू से करवा दी। लिटरली इंटरनेट का जमाना है, गूगल का जमाना है यार, बंदा गूगल कर लेता। मतलब भाई जो इंसान एटीएम से कॉन्फ्रेंस कॉल में बात कर रहा है, इतना अमीर आदमी का बेटा है, उसके बारे में गूगल में कुछ ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अगर गूगल सर्च में नहीं भी मिलता तो फाउंडर ऑफ बुर्ज खलीफा सर्च करते थे भाई, उसी में आ जाता राज कुंवर प्रताप सिंह। नहीं मतलब भाई ये सब 90s में दिखाते थे तब चलता था भाई, लेकिन अभी नहीं पुसा रहा यार, मतलब नहीं हो। और वैसे भी इन्होंने 90s वाली मूवी की पूरी कॉपी की है ना भाई, दिमाग तो लगाया नहीं। जो भी हो भाई, लेकिन अंकल ने काफी बड़ी गलती की है ये तो मानते हो ना भाई? अबे तुझे आईचा घो माझा गुस्सा दिलाओ चे जामनगर नो झिंगो। सच्ची बता रहा हूँ, एक बार और आया ना ये साउंड इफेक्ट प्लस 1000 कर दूंगा बिना सोचे समझे। जब ये लोग यहाँ आए थे तब एक गेट खुला था और एक गेट बंद था, लेकिन जब ये लोग उतर के सेल्फी ले रहे होते तब तो भैया दोनों गेट खुला हुआ है। अच्छा बेटा अभी बहुत स्ट्रेस हो रहा है तेरे को, और ये सब शादी के पहले दिमाग में नहीं आया? और एक मिनट भाई, इतना बड़ा बंगला है, इतनी आसानी से लोग अंदर घुस कैसे जाते हैं? मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है क्या बाहर? अभी ऊपर के एंगल से देखने पे यहाँ पे कहीं पे भी ब्लू कलर का कोई जग नहीं है, लेकिन वही नीचे के एंगल से देखने पे प्रकट हो गया। अब अंकल ने शादी कराने से पहले गूगल सर्च नहीं किया था तो मैं उनको ऐसे ही लल्लू पल्लू समझ लिया था, लेकिन अंकल तो चौंका दिए भाई मेरे को। मतलब इधर सैमसंग के फोन में फेस टाइम चला रहे हैं। नहीं कैसे भाई, ये तो मेरे को भी नहीं आता कैसे चला रहे हैं। ये क्या चूपंती कर रहा है भाई, क्या चिल्ला रहा है, किसका बच्चा है? उतर के बचाना उसको भाई, अभी तो ट्रेन दूर दूर तक नहीं दिख रही, बहुत ही आसानी से बचा सकता था उसको। और ये क्या, कोई भी उतर के बचा सकता था। अभी जब राजू यहाँ से जंप कर रहा था तब इसके पीछे कोई भी बोर्ड नहीं लगा हुआ है, लेकिन अगले ही पल पीछे बोर्ड प्रकट हो गया भाई। अभी हमें साफ दिख रहा है कि ये ट्रेन बस राजू को ठोकने ही वाली है ना, ये पिक्चर यहीं पे खत्म हो जाने वाली है ऐसा लग रहा है मेरे को। लेकिन भैया अगले ही पल ये ट्रेन इससे काफी ज्यादा पीछे हो जाती है, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेन इसको ठोक ही देगी। लेकिन भैया ये लोग तो बच जाते हैं, बच्चा बच गया उसकी बहुत खुशी है भाई मेरे को। लेकिन आए हाय मेरा हीरो हीरा लाल। मतलब भाई अभी 10 सेकंड पहले जिस बंदे के साथ इतना खतरनाक हादसा हुआ हो, जो मतलब इतनी बुरी तरीके से मरते मरते बचा है, वो भैया पटरियों में लेटा रह जाएगा 4 दिन तक, दिल धड़कना बंद हो जाएगा, बॉडी सुन्न हो जाएगा। लेकिन अभी 5 सेकंड हुआ ट्रेन को गया और इधर देखो तो हीरो हीरा लाल उठ के खड़ा हो गया, क्या बात। मतलब ट्रेन छोड़ो, अगर ऐसा ही सेम सीन मेरे साथ किसी कार के साथ भी हो गया ना तो मैं सड़क में ही पड़े रह जाऊंगा जब तक कोई उठाएगा नहीं मेरे को। और भाई ये कमाल का स्टंट जो दिखाया ना राजू भैया ने, मतलब रजनीकांत के सस्ते का सस्ता वर्जन प्लस क्रिस का सस्ते का सस्ता वर्जन इक्वल्स टू दिस सीन। मतलब भाई पागल हो गया हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोले जा रहा हूँ, कुछ नहीं पता मेरे को। अब मेरे को पागलपन से बाहर आने के लिए एक ही रास्ता है, इतना खतरनाक बोनस ऐड करना पड़ेगा जितना आज तक जिंदगी में कभी नहीं किया मैंने। माफी चाहता हूँ लेकिन कर रहा हूँ मैं। यहाँ रेलवे स्टेशन में कूली और डिस्को डांसर का बोर्ड लगा हुआ है। मतलब भाई ये पिक्चरें 80s की थी और इसका बोर्ड 2020 में लगा हुआ है, काय को भाई? ये रेलवे स्टेशन के अंदर अंकल कार कैसे घुसा है ना मेरे को अभी तक नहीं समझ आया। यहाँ पे राज अभी तक घर नहीं आया इसलिए इन लोगों को बहुत टेंशन होती है, और ये लोग पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और सारा को टेंशन में देख के इसको भी टेंशन हो जाती है। लेकिन भाई इससे बड़ा वाला आदमी नहीं देखा मैं, बाहर जा
सारा को फोन कर कि ऐसा ऐसा फला फला काम आ गया, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में बस। लेकिन नहीं भैया, अब ये सारा से उसकी अंगूठी और उसका पर्स इन लोग को दिवा देता है और बाद में सारा के रिक्वेस्ट करने पे इनसे लड़के इनसे वापस भी ले लेता है। तो भैया जब तू इनसे लड़ सकता है तो अब इनको देने की जरूरत ही क्या है भाई? यहाँ पे ये पुलिस वाले चोरों की तरह अंदर क्यों घुसे मेरे को समझ नहीं आया, वो भी सीधा कमरे में। ये एकदम से कहाँ से प्रकट हो गया भाई? मतलब पुलिस वाले को ये मार के कमरे से बाहर जा चुका था तो ये कहाँ से आ गया? तो अंकल जी अपना कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं इसलिए वो राज और राजू दोनों को एक साथ हनीमून पे भेज रहे हैं। नहीं मतलब गुरुजी के स्टाइल में बोलो तो दिमाग इनटू 100 है इनके पास। तो नहीं मतलब भाई कंफ्यूजन हो ही रहे तो राजू को पकड़ के राज के पास ले जाओ या राज को पकड़ के राजू के पास ले जाओ, आज नहीं तो कल पता चली जाएगा कि दोनों एक ही जन है। तो सबसे पहले ये होटल के अंदर से बाहर जाता है और फिर बाहर से सारा के साथ अंदर आता है। तो चल ठीक है, एक बार तो इसके बाप को डाउट नहीं किया लेकिन क्या सारा को भी डाउट नहीं किया कि अंदर से बाहर क्यों आ रहा है? नहीं मतलब कहीं घूमने का प्लान बनता है तो दो जन घर से एक साथ ही निकलते ना, लेकिन राजू तो इतना देर से अंदर था तो सारा को भी डाउट नहीं किया कि अंदर से क्यों आ रहा है। भाई राजू तो इतनी देर से इसके साथ था तो फिर सारा कहाँ थी भाई? अभी जब तक ये दोनों नाच रहे थे तब तक सब सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही राजू नाचने लग जाते हैं तब अंकल भी झांकने लग जाते हैं। नहीं मतलब अंकल तो खिड़की के बाहर ही खड़े थे ना, तो अंकल इन दोनों को नाचते हुए नहीं देखे क्या? मतलब पूरी पिक्चर में लिटरली कुछ भी चल रहा है। और भाई अभी तो इन लोग को शुक्र मनाना चाहिए कि अभी मैं उस बात पे नहीं जा रहा हूं कि अंकल इतनी ऊंचाई में बिल्डिंग के बाहर आखिर आए तो आए, कैसे कोई उनको रोका क्यों नहीं, मतलब कैसे भाई? तो बेहतर यही रहेगा कि इस बात पे आगे नहीं बात करते वरना मैं वापस पागल हो जाऊंगा और अंदर तुम फिर से बोनस ऐड कर दूंगा। तो ये अंकल अंदर मिठाई लेके आए थे लेकिन जब इनको बाहर लाया जाता है तब इनके हाथ में मिठाई होता ही नहीं है। तो सारा के पिताजी कुली का बाप आथू, कुली का बाप आथू चिल्लाते हुए जा रहे होते हैं और इसे पता भी चल जाता है कि वो राजू कुली की बात कर रहे हैं। नहीं मतलब भाई ये तो अंतर्यामी निकला, अंतर्यामी बाबा की जय हो। नहीं मतलब पूरी दुनिया में एक राजू ही थोड़ी है, कुली और भी तो है। कुली इन्होंने कार को बिल्कुल खाई के बगल में ही खड़ा किया है लेकिन जब गिराने के लिए भागना चालू करते तो आधा किलोमीटर तो भागते ही रहते हैं लोग। नहीं मतलब भाई इतना दूर तो कार खड़े भी नहीं था जितना लोग भाग रहे हैं। इतना सबूत काफी होता है किसी इंसान को जेल में जाने के लिए, लेकिन भैया अंकल तो आखिर तक भी बाहर ही होते हैं। दिल से एक बात कह रहा हूं, अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करके तीन लोग को शेयर जरूर करना और ये तीन लोग वाला प्रोसेस आगे भी कंटिन्यू रखना। यहाँ पे मेरे को लगा कि शायद राजू झूठ बोल रहा है कि इसकी सांसें चल रही ताकि वो भाग सके, लेकिन भाई उसकी सांसें सच में चल रही थी। लेकिन भाई जब उसकी सांसें चल ही रही थी तो तेरे को भागने की क्या जरूरत थी, मतलब पुलिस के साथ उसको हॉस्पिटल लेके जाता। उधर आदमी मर रहा है और इधर इन लोगों को देखो साले टाइम पास कर रहे हैं। सिंगापुर की नर्से, सिंगापुर की नर्से। तो अभी इन लोग को लग रहा है कि इसमें सेठ जी लेटे हुए, लेकिन बाद में इसमें सारा का बाप निकलता है। लेकिन एक मिनट भाई, वो इसमें लेटे हुए क्यों थे? और चल कोई रीजन से वो लेटे हुए भी थे लेकिन जब तक वो बिल्डिंग से लटक नहीं गए तब तक ना उन्होंने आवाज किया ना बिल्कुल भी हिले डुले, तो क्या बेहोश लेटे हुए थे क्या? यहाँ से ये कपड़ा साइड को चल देता है लेकिन वही नीचे के एंगल से दिखाने पे ये तो नीचे आ रहा है। अब भाई इनको कौन बुलाया? मामा जी को कैसे पता चला कि ये लोग हॉस्पिटल में? और भाई एक मिनट, मेरे को ना मामा जी के लिए जितना बुरा लग रहा है ना पिक्चर में उतना किसी के लिए नहीं लग रहा है। मतलब मामा के रोल में सबसे पहले तो है राजपाल यादव, इतने कमाल के एक्टर, और अगर आपने मूवी देखी है तो मेरे ख्याल से 5-10 मिनट का सीन होगा उसमें सपोर्टिंग जितना रोल भी नहीं है, मतलब एकदम ना के बराबर सीन है इनके। चल एक बार उसको भी हटा, लेकिन यहाँ पे मामा खोए हुए हैं, मिल नहीं रहे, लेकिन घर वालों को भैया कोई टेंशन ही नहीं है। नहीं मतलब पहले आप ये सुनो, ठीक मामा जी ने बताया होगा ना आपको डैडी? मामा जी ने बताया होगा? मामा यहाँ पर नहीं है बेटा। क्या मामा जी नहीं है? नहीं, राजे तो कहा था कि वो दो दिन पहले ही निकल गए। नहीं मतलब एनीवे पे बात यहाँ पे रुक तो गई, लेकिन मेरे को लगा शायद कॉल खत्म करने के बाद मिनिमम इन दोनों को ही टेंशन होगा कि मामा जी वहां से निकल गए, दो दिन हो गया घर आए नहीं तो मामा जी गए कहाँ। लेकिन भैया पूरी पिक्चर निकल गई लेकिन किसी को कोई खबर ही नहीं कि मामा जी गए कहाँ, कोई किसी ने ढूंढने की भी कोशिश नहीं। और आखिरी में जब मामा जी हॉस्पिटल आते तब ऐसा भी नहीं कि सब टेंशन में मामा जी आप कहाँ थे, तू कहाँ था, इतना दिन कैसा है, ठीक है ना, बल्कि इनको आते ही गिफ्ट मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है और एक्चुअली ये पिक्चर ही बहुत बड़ी गलती है यार, बार बार ऐसी गलतियां आ रही तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता भाई, मजबूर हूँ मैं। भाई पूरी पिक्चर खत्म हो गई लेकिन इसको अभी भी नहीं पता चला कि हम इस बैग को कुछ इस तरह भी ले जा सकते हैं। तो अब वक्त है सबसे बड़ी गलती का, जिसमें अगर ये गलती नहीं हुई होती तो ये पिक्चर मात्र 5 मिनट में खत्म हो जाती भाई। तो अगर आपने मूवी देखी तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ऐसा दिखाया जाता है कि ये स्टेशन में अपनी माँ से बिछड़ जाता है, जिसमें इसकी माँ ट्रेन में बैठ के आगे चले जाती है और ये स्टेशन में ही रह जाता है। फिर थोड़ी देर बाद इसे रियल कूली यानी अमिताभ बच्चन जी मिलते हैं और इससे पूछते हैं कि क्या वो बेटा क्यों रो रहे हो, तब ये बताता है कि मैं अपनी माँ से बिछड़ गया हूँ और ये देखो मेरे और मेरी माँ की फोटो। मैं बोला भाई, मतलब भाई इसके पास अपनी माँ के साथ ऐसी फोटो है जिसमें ये दोनों बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं तो फिर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। मतलब अगर ये बड़े वाले कुली इसे पुलिस स्टेशन ले जाते और बताते कि ये बच्चा खो गया और इस देखो इसकी माँ की फोटो, तो भाई पुलिस ही ढूंढती भाई इसकी माँ को। या तो फिर अगर इसकी माँ ही वापस स्टेशन में आ जाती आज कल परसों एक घंटे बाद दो घंटे बाद कभी भी, तो इसको अपना बेटा यहाँ वापस मिल जाता, क्योंकि भाई ऐसा भी नहीं था कि यहाँ राजू खोते ही स्टेशन से भाग गया हो बाहर कहीं, वो स्टेशन में ही बड़ा हुआ है
तो अगर वो बाद में एक दो दिन बाद भी आती तो उसको बेटा वापस मिल जाता भाई। तो यही है सबसे बड़ी गलती जो कि ये बड़े वाली कुली और इसकी माता जी ने की है। मतलब अगर ये किसी भी तरह अपनी माँ को वापस मिल जाता तो ये पिक्चर बनती नहीं भाई। तो भैया यही थी सबसे बड़ी मिस्टेक। कैसी लगी आपको नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और क्योंकि ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। तो अगर आपको लग रहा है कि इस बार मैंने कुछ ज्यादा ही बोनस ऐड कर दिए, तो हाँ एक्चुअली अब मेरे को भी लग रहा है। नहीं लेकिन भैया पिक्चर भी तो देखो ना यार, जैसी पिक्चर है उस हिसाब से तो बनता भी है, और मैंने हर वैलिड पॉइंट्स में ऐड किए बोनस। तो भैया यही समाप्त होती है वीडियो। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है तो ज्यादा नहीं पकाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।